त्रिकाल की मौसी। त्रिकाल, मैं कभी आनंद नगरी का राजा बनूंगा भी या नहीं? कब आएगा वो समय? महाराज, ये तो सिर्फ भविष्य देखने वाला गोला ही बता सकता है। तो भविष्य दिखाने वाला गोला लेकर आओ। महाराज, ये काम मेरी मौसी चंद्रमुखी कर सकती है। तो बुलाओ उसे। जो आज्ञा महाराज। कमालम कमालम चमत्कारम त्रिकालम। मौसी मौसी जागो, मैं त्रिकाल। कौन है? चूहा बना दूंगी अभी। मौसी मौसी, मैं हूँ त्रिकाल। त्रिकाल, क्यों उठाया मुझे बता? मौसी, मुझे भविष्य दिखाने वाला गोला चाहिए। भविष्य दिखाने वाला गोला सम्मोहक जंगल में ही मिलेगा। उस जंगल में सिर्फ नेक और बहादुर बच्चा ही जा सकता है। किसना है? ये किसना कौन है? रिश्ते में तुम वो हमारा दुश्मन होता है। नाम है किसना। मौसी, तुम आनंद नगरी जाओ और किसना के दोस्तों को पकड़ लो। क्या बोला? कितनी डरावनी है ये। मैं हूँ त्रिकाल की मौसी चंद्रमुखी और मेरा बाल तुम सबको काट देगा दुखी। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। अपने दोस्तों की सलामती चाहते हो तो जाओ और किसना को बुला कर लाओ। हमारे दोस्तों को जल्दी से बाहर निकालो वरना। वही रख जाओ वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें सम्मोहक जंगल से मेरे लिए भविष्य दिखने वाला गोला लाना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ उस जंगल के सामने ले जा सकती हूँ। ठीक ऐसे। टोटो, तुम यहीं रहो, हमारे दोस्तों पर नजर रखना। किसना, पूरा भविष्य दिखाने वाला गोला मैं अभी लेकर आता हूँ। बल्लू भैया, आगे खतरा हो सकता है। किसना, ये तो खतरनाक दलदल है। किसना, बचाओ मुझे। किसना, तुम्हारा गोला, अब मेरे दोस्तों को छोड़ दो। किसना, लाओ दो मुझे।
ए भविष्य के गोले, दिखा क्या है मेरे भविष्य में। ये क्या, किसना तो मेरा काल बन कर आया है। मैं इसे अभी खत्म कर देती हूँ। सब लोग लेट जाओ। पहले क्या ये कम खतरनाक थी जो और बड़ी हो गई? बच गई घंटी। ताकत इस जादुई छड़ी में है। राधिका, मैं इसे उलझाता हूँ, तुम गुलेल से इसके हाथ में निशान लगाओ। टोटो, तुम छड़ी लपकने के लिए तैयार रहो। बच्चे, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अभी दिखाती हूँ। के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहाँ गिरा। चुप कर मुकाल। मुकाल, अब मैं अपना भविष्य कैसे देखूंगा? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे त्रिकाल का भविष्य मालूम है। महाराज काव काव काव। महाराज ये लीजिए। अश्वमेध का घोड़ा। कृष्णा की टीम की तरफ से शानदार खेल का प्रदर्शन, और श्रीमान सुद्दी एक बार फिर कोशिश करते हुए बहुत तेजी से गेंद के पीछे आते हुए, इस बार निगाहें बिल्कुल जमी हुई है, और श्रीमान सुद्दी का ये जोरदार प्रहार एक उछलती हुई सीधे भोंदू के सिर पे जा टकराई, और लक्ष्य से होती हुई सीधी जंगल की तरफ चली गई। ये क्या हो गया, गेंद तो जंगल में चली गई। जाओ सुद्दी, गेंद लेके आओ। बज गई घंटी। सुद्दी की आवाज है, क्या हो गया उसे, चलो देखते हैं। किसना, घोड़ा। क्या सुद्दी, तुम इस घोड़े से डर गए? मेरे दल की बेइज्जती कर दी तुमने। देखो मैं अभी गेंद ले आता हूँ। Oh!
हिम्मत पर घोड़े को भी काबू कर लिया। ये घोड़ा कहाँ से ले आए किसना? जंगल में मिला भोला जी। मेरे घोड़े को पकड़ने का साहस किसने किया? मैंने। बच्चे, ये अश्वमेध का घोड़ा है, इसे जो भी पकड़ेगा उसे मुझसे युद्ध करना ही होगा। महाराज, आप अपना घोड़ा ऐसे ही वापस ले जाइए, हमें युद्ध नहीं करना। ये राजधर्म के खिलाफ है, हम युद्ध में तुम्हें हरा कर ही ये घोड़ा वापस ले जाएंगे, समझे? तुम युद्ध की तैयारी करो, हम कल सुबह आनंद नगरी पर आक्रमण करेंगे। चलो सैनिकों। आप लोग परेशान मत हो, सुबह तक कुछ न कुछ सोच लेंगे। युद्ध शुरू किया जाए, तुम तैयार हो? हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। बच्चे, मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो, मुझे तुम्हारी कोई तैयारी दिखाई नहीं देती। तुम निहत्ते हो, हमारी इतनी बड़ी और बलशाली सेना से युद्ध कैसे करोगे? मेरा धर्म कहता है कि पूरी सेना से ना लड़ाकर तुम्हारा मुकाबला किसी एक योद्धा से कराया जाए, और तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसके पक्ष को विजयी मान लिया जाएगा। बोलो, तुम्हें मेरी ये चुनौती स्वीकार है? मुझे स्वीकार है महाराज। सेनापति, तुम्हारी क्या राय है? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं अभी इस बच्चे को हरा कर आता हूँ। जाओ सेनापति, विजयी भव। तुम्हारे लिए तो ये डंडा ही काफी है बच्चे। किसना, 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 वाह किसना, क्या मारा है! अब तेरा खेल खत्म। सेनापति उठो! अरे वाह, किसना जीत गया! ये! किसना, तुम चतुर होने के साथ बहादुर भी हो। तुमसे अपनी हार स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वचन देता हूँ कि अपने पूरे जीवन में फिर कभी आनंद नगरी से कोई युद्ध नहीं करूँगा। धन्यवाद महाराज। ये!
कोई ना कर पाए वो किसका कर दिखाए। Thank you.